खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर 15 अगस्त की दोपहर ऐसा अजीब हादसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में एक कपड़े के बीच 4 साल की मासूम बच्ची का कंधे से अलग हुआ हाथ फंसा हुआ है। यह विभत्स हादसा देखकर किसी की रूह तक कांप उठी है। बच्ची का शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। डायवर्शन रोड पर संचालित हो रहे निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निशांत महाजन के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे 4 वर्षीय अंशिका पिता राकेश सोलंकी को गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लाए थे। बच्ची को इंदौर रेफर किया था, जहां बताया जा रहा है कि 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची का हाथ दोबारा से जोड़ दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार भगवानपुरा निवासी राकेश सोलंकी अपनी पत्नी सलिता के साथ बाइक पर सवार खरगोन की ओर आ रहे थे। महिला अंशिका को गोद में लिए हुए थी। इसी दौरान ग्राम घट्टी के समीप स्कार्फ के साथ अंशिका का हाथ बाइक में कब्जा फंसा। परिजन समझ ही नहीं पाए, बच्ची के कंधे से हाथ को अलग देख परिजन बदहवास हो गए। बीच सड़क पर ही बिलख बिलख कर रोने लगी। वहीं दर्द से कराहती बच्ची की हालत देख दूसरे लोगों की आंखों से आंसू झलक उठे। राहगीरों की मदद से परिजन अंशिका को लहलुहान हालत में अस्पताल लाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।